नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप सभी। आई होप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो आज आप सभी के सामने पेश है ह्यूंडई वेन्यू। ये अपने सेगमेंट की बेहतरीन सी सब कॉम्पैक्ट एसयूवी कार। तो आज हम लोग कवर करेंगे इस वेन्यू के एस वेरिएंट को। ये इसका सेकंड बेस यहाँ पे वेरिएंट रहता है, जिसमें आपको यहाँ पे जरूरत के सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। प्राइस रेंज की बात करें अगर इस गाड़ी की, तो 7,90,000 से 100,000 में इसका बेस मॉडल स्टार्ट होगा। टॉप मॉडल में जाता है 15 लाख के आसपास तक। लुक्स एकदम यहाँ पर बेहतरीन से रहेंगे। इंजन स्पेक आपको उसमें डीजल पेट्रोल दोनों यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो भाई साहब, ह्यूंडई की गाड़ी रिफाइनमेंट आपको मिली जाएगा। इसमें आपको कुछ ऐसे नाइट एडिशन और भी यहाँ पे एडास वाला भी टॉप मॉडल मिलेगा, अगर आप लेना चाहें तो ह्यूंडई वेन्यू एन लाइन के साथ। सबसे पहले फ्रंट ग्रिल में आएंगे, तो ह्यूंडई का यहाँ पे बड़ा सा लोगो डार्क क्रोम में इसकी पूरी फ्रंट ग्रिल। देन इस साइड यहाँ पे इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट, नॉर्मल से हैलोजन बेस यहाँ पे हेडलैम्प का सेटअप रहेगा इस फ्रंट के साथ। कोई भी फॉग लैंप्स अगर आपको नहीं मिलेंगे इस कार में। लोअर ग्रिल ब्लैक कलर की, नीचे यहाँ पे देखेंगे मस्कुलर से पूरी स्किड प्लेट। ग्राउंड क्लियरेंस 195 मिलीमीटर के समथिंग मिलेगा इस कार में। रबर वगैरह लगा के गाड़ी को रेडी कर दिया डिलीवरी के लिए। डुअल वाइपर एंड वॉशर की यहाँ पे प्लेसमेंट, एंड ये रहेगी बेहतरीन सी इसकी पूरी साइड प्रोफाइल। साइड से देखी जाए फ्रंट से देखने में काफ़ी बड़ी सी लगती है ये हमारी कार। डायमेंशन की बात करेंगे ह्यूंडई वेन्यू की, तो आपको उसमें 3995 मिलीमीटर की इस गाड़ी के यहाँ पर लंबाई मिलने वाली है। इसी के साथ 1770 mm की इसके यहाँ पर चौड़ाई एंड 1617 mm की इस गाड़ी के यहाँ पर हाइट देखने को मिल जाएगी। व्हील बेस वही ऑफर किया जाता है इसमें 2500 मिलीमीटर का। व्हाइट कलर में आप इसको देख रहे हैं। टॉप में जाएंगे, अपग्रेड करेंगे तो डुअल टोन का भी ऑप्शन रहेगा इस कार में। 15 इंच इसके नॉर्मल से स्टीलिंग रहते हैं इस वेरिएंट के साथ। व्हील कवर, आगे डिस्क ब्रेक्स रहेंगे, अपोलो के टायर्स। टायर प्रोफाइल यहाँ पे देख सकते हैं 195/65 के। इतना कुछ यहाँ पे ट्रेवल। ब्लैक कलर की देखेंगे पूरी रहेगी यहाँ पे क्लाइडिंग। फेंडर पे भाई साहब इंडिकेटर्स आपको मिलेंगे इस वेरिएंट में डुअल टोन में। इसके आउटसाइड मिरर्स, इलेक्ट्रिक वेस्टिबल आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे बी पिलर्स वगैरह पूरे मैट ब्लैक फिनिश में। ऊपर रूफ रेल्स एंड शैफन एंटीना भी देखने को मिल जाएगा। पीछे ड्रम ब्रेक्स यहाँ पर रहते हैं। टॉप में जाएंगे तो लॉस का भी ऑप्शन रहेगा। ये रहेगी गाड़ी की बेहतरीन से पूरी साइड प्रोफाइल। वारंटी वगैरह वही आपको उसमें मिलती है 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर की, जिसको चाहे तो आगे भी आप एक्सटेंड करा सकते हैं 5 साल के लिए। बैक में कोई भी कनेक्टेड यहाँ पर नहीं रहेगी। दिक कनेक्टेड रही बट भाई साहब ऑन नहीं होगी, क्योंकि ये इसका लोअर वेरियंट। नॉर्मल हेलोजन बेस वाली यहाँ पर इसके बैकलाइट्स रहेंगे इस वेरियंट में। सेंटर में ह्यूंडई का लोगो, वेन्यू की बैजिंग। ऊपर आएंगे तो डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, शैफन एंटीना, रूफ रेल्स। यहाँ पर डुअल टोन में इसका बम्पर 2 रहेंगे। यहाँ पर रिवर्स पार्किंग सेंसर, इधर रिफ्लेक्टर, रिवर्स लाइट वगैरह भी देखने को मिल जाएगी। स्किड प्लेट यहाँ पे भी रहेगी ग्रे फिनिश में। नीचे का रियर सस्पेंशन सेटअप, टोइंग हुक का ऑप्शन, एग्जॉस्ट पाइप वगैरह यहीं पे देखने को मिलती है। आप खोलेंगे इसके बूट गेट को तो इस गाड़ी में वही आपको मिलने वाला 350 लीटर का बूट स्पेस। काफ़ी बड़े से सामान वगैरह रखे, कोई भी पार्सल ट्रे वगैरह हालांकि नहीं रहती, आपको लगवानी पड़ेगी बाद में। सीट वगैरह फोल्डेबल रहेंगी, यहाँ पे इनको भी फोल्ड कर सकते हैं। तो नीचे यहाँ पे अपना पूरा ट्रॉली बैग वगैरह भर दीजिए। इधर देखेंगे कोई भी लाइट वगैरह नहीं रहेगी इसमें। नीचे यहाँ पे इसका स्टेपनी वाला टायर, यहीं पे जैक टूल पाना वगैरह सारी चीज़ें रखी हुई दिख जाएंगी। साइज यहाँ पे देख लीजिए, 15 इंच इसका आपको देखने को मिल जाएगा। तो यही था इस गाड़ी का पूरा बूट स्पेस वगैरह जो आपने यहाँ पे देख लिया ना। अब भाई साहब इसको करेंगे बंद, फिर चलेंगे कार के अंदर। तो यहाँ पे ये हो गया इसका टेलगेट पूरा क्लोज। एंड वारंटी वगैरह मैंने आपको बताई थी। कलर ऑप्शन आप इसका वाइट देख रहे हैं, वाइट, रेड, सिल्वर, ब्लू, ग्रे एंड ब्लैक जैसे आपको उसमें काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे। और अब बात करें अगर इसके राइवल्स के बारे में, तो इसका सीधा सा कंपटीशन मारुति ब्रेज़ा, किया सोनेट एंड इसी टाटा नेक्सॉन जैसी गाड़ियों के साथ होता है इसका सीधा सा कंपटीशन। फीचर्स वाइज, लुक्स वाइज बेहतरीन से, बस बिल्ड क्वालिटी वाइज थोड़ा सा मैं टाटा नेक्सॉन के कंपैरिजन में थोड़ा कमजोर रहती है ये हमारी कार। हैंडल वगैरह चारों ही सेम बॉडी कलर। और चाबी तो आई थिंक मैंने आपको दिखाई नहीं, देखिए फ्लिप रिमोट सेंटर लॉकिंग की, जहाँ पे लॉक अनलॉक बटन का बटन पीछे रहेगा। ह्यूंडई का लोगो, दूसरी मिलेगी यहाँ पे मैनुअल फिजिकल की। यहाँ से आप उसमें डलवाएंगे पेट्रोल डीजल, जो भी वारंट लेंगे। हालांकि इसका पेट्रोल रेट देख रहे हैं, फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी 45 लीटर की इस कार की। ये डोर वगैरह डुअल टोन में यहाँ पे रहेगी। पावर विंडो का यहाँ पे कंट्रोल, डोर ओपनर, नीचे स्पीकर, बॉटल की प्लेसमेंट, फैब्रिक की सारी सीट्स रहेंगी, कवर लगाए गए बाद में। चलिए बैठते कार के अंदर। और अंदर बैठने के बाद ऐसा कुछ दिखेगा इस गाड़ी का पूरा डैशबोर्ड, कभी टच स्क्रीन वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। बाकी पीछे देखेंगे तो यहाँ पे रियर पैसेंजर के लिए एसी वेंट्स, एसी वेंट्स का सराउंडिंग यहाँ पे पूरी ग्रे फिनिश आपको देखने को मिलती है। नीचे भाई साहब टाइप सी के दोनों रहेंगे, यूएसबी के पोर्ट। तो टाइप सी से भैया कितना ह्यूंडई को प्यार है समझ में नहीं आता है भाई। जरूरी थोड़ी कि दोनों पैसेंजर जो पीछे बैठे हैं भाई साहब दोनों टाइप सी वाले फोन लेके बैठे, कोई टाइप ए वाला भी हो सकते हैं ना, तो दोनों देना चाहिए मेरे हिसाब से ज्यादा सही रहेगा। ये देख लीजिए इनका यहाँ पे लेगरूम नीरम वगैरह, जिस हिसाब से व्हील बेस है 2500 मिलीमीटर का, उस हिसाब से दो लोग एकदम कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। हालांकि थर्ड पर्सन भी यहाँ पर एडजस्ट किया जा सकता है। इधर के डोर वगैरह देखेंगे डुअल टोन में, ग्रैब हैंडल वगैरह ऊपर की तरफ, यहीं पर रहेगा हुक वगैरह। पीछे पार्सल ट्रे आपको नहीं मिलेगी इस फ्रेंड में, इसको आपको लगवाना पड़ेगा बाद में। लेकिन भाई साहब हेडरेस्ट की बात करें ना, तो ये आपको तीनों यहाँ पे मिलेंगे एडजस्टेबल, अपने हिसाब से बड़े से एडजस्ट करिए।
ये रहेंगे आपके सीट बेल्ट वाले पॉइंट। और एक चीज और देखिए, 60-40 में अफोर्डेबल तो वही भाई साहब Hyundai Venue जो कि लोअर वेरिएंट है, सॉरी लोअर सेगमेंट है, मतलब क्रेटा से, इसमें तीन तीन हेडरेस्ट है लेकिन भाई साहब क्रेटम जाएंगे दो ही मिलते हैं। ये देखो भैया कंपनी सेम है, सब कुछ सेम है लेकिन इतना भेदभाव पता नहीं क्यों। तो अभी आगे का बचा हुआ ना, आगे चलते आगे दिखाते, लेकिन रूप तो भाई साहब रह गई छत में, देख लो यहाँ पीली वाली लाइट भाई देखने को मिल जाएगी, रीडिंग लाइट। अब आइए चलते आगे की तरफ, वहां से बैठ के देखते ड्राइवर की तरफ से कि क्या कुछ रहने वाला है Hyundai Venue में। मैटिंग वैटिंग सब डाल के भाई प्रॉपर डिलीवरी के लिए इसको रेडी करके रखा है, देख रहे ना, ये भी सब पड़ा हुआ एक्सेसरीज का पार्ट, अब हल्का सा यहाँ पर रहता है मतलब दो तीन आंगुल के आसपास। चलो भैया अब निकलते हैं और चलते आगे, एयरबैग 6 रहेंगे बेसिक मॉडल से, तो यहाँ पे देखेंगे उसकी ब्रांडिंग। डोर वगैरह में देखेंगे तो यहाँ पे हो गया चाइल्ड लॉक, ये हो गई भैया बंद इसकी डोर। अंदर चलेंगे, चाबी तो वैसे दिखाई दी, फिर से देख लो इसी से अपनी गाड़ी को, कुछ इस तरह लॉक अनलॉक कर सकते, बाकी बूट भी अनलॉक कर सकते, फ्लिप रिमोट सेंट्रल लॉकिंग की मिल जाएगी। हैंडल सारे सेम यहाँ पे, बॉडी कलर डोर वगैरह डुअल टोन में, डैशबोर्ड का देखिए ये भी रहेगा पूरा डुअल टोन में। चारों यहाँ पे लॉक अनलॉक वाले बटन और भी मर्जिस्टमेंट के सारे कंट्रोल्स यहाँ पे। डोर ओपनर पूरा ग्रे फिनिश में रहता है, नीचे स्पीकर बॉटल होल्डर यहाँ पे देखने को मिलेगा इनकी डोर्स में। सीट्स वगैरह फैब्रिक की, ये कवर वाइस अब लगाए गए बाद में जो लग रहे काफ़ी बेहतरीन से ब्लैक कलर के। सिर्फ सीट रिक्लाइन का आपको ऑप्शन मिलेगा इस वेरियंट के साथ। नीचे जाएंगे तो इसका फील्ड लीड ओपनर, ये रहेंगे इसके मैनुअल ट्रांसमिशन के ABC पैडल, और यहाँ पे भैया ट्रैक्शन कंट्रोल, ID रिचार्ज ऑफ का बटन, हेडलैम्प रजिस्टर वाले, ये काफ़ी सारे स्विचेस। अब लगाएंगे इसके भैया चाबी को, बैठेंगे कार के अंदर। तो भाई जब ही आ चुके हैं पे देखेंगे कार के अंदर, तो सबसे पहला काम भाई साहब क्या, डैशबोर्ड तो देख लीजिए पूरा डुअल टोन में, यहाँ पे 8 इंच वाली टच स्क्रीन वगैरह आपको देखने को मिलती है। तो सबसे पहले स्टीयरिंग से भाई साहब स्टार्ट करेंगे, Hyundai का देखेंगे यहाँ पे लोगो, इधर जाएंगे तो यहाँ पे MID के कंट्रोल्स, इस साइड यहाँ पे टेलीफोनिक इंफोटेनमेंट के सारे कंट्रोल्स, ये कोई रैप वगैरह नहीं है, ये भाई साहब कवर लगा है बाद में एज एक्सेसरीज। टिल्ट एडजस्टेबल यहाँ पे रहेगी इसकी स्टीयरिंग, ऑन करेंगे इसके इग्निशन को, पूरा डिजिटल यहाँ पे देखेंगे इसका मिलता है क्लस्टर, इस साइड यहाँ पे फ्यूल गेज वाली इन्फॉर्मेशन, इधर टेम्परेचर वाली, बाकी बीच में रहेगी, बीच में MID स्क्रीन जिसमें देखेंगे काफी सारी इन्फॉर्मेशन, इसको प्रेस करते जाइए सारी चीजें देखते जाइए। ये भाई साहब TPMS भी मिल जाएगा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, बाकी ड्राइव इन्फॉर्मेशन वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं। अब आते हैं सेंटर कंसोल की तरफ, सबसे पहले नजर जाएगी आपकी इसकी टच स्क्रीन पे, 8 इंच वाली यहाँ पे दी जा रही है। कनेक्टिविटी आपको इसमें वही एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार पे, USB ऑक्स, ये सारी कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगी। रिवर्स पार्किंग कैमरा भाई साहब चेक करते हैं कि नहीं है, नहीं भाई साहब इस वेरिएंट में कोई भी देखेंगे रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं रहेगा, सेंसर की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख सकते हैं, एज अ एक्सेसरी चाहे तो बाद में लगवा सकते हैं। नीचे जाएंगे तो ट्रैक वगैरह सब कुछ यहाँ पे कंट्रोल मिलेंगे इसके टच इंफोटेनमेंट सिस्टम के। AC वेंट्स यहाँ पे देख लीजिए, सिल्वर फिनिश रहने वाली है AC वेंट्स का सराउंडिंग, यहाँ पे वॉल्यूम वगैरह चेंज कर सकते हैं, बाकी अपने हिसाब से ट्रैक वगैरह चेंज कर लीजिए। हेजार्ड लाइट का स्विच एकदम नीचे की तरफ, यहाँ पे आएंगे मैनुअल AC के सारे कंट्रोल्स। SX वगैरह में जाएंगे तो फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको देखने को मिल जाएगा। 12 वोल्ट का यहाँ पे चार्जिंग आउटलेट Type-C Type-A दोनों यहाँ पे रहेंगे, USB के पोर्ट्स, यहाँ पे रख सकते हैं अपना फोन वगैरह। 5 स्पीड इसका मैनुअल ट्रांसमिशन, यहाँ पे भी देखेंगे वही पूरी ग्रे फिनिश आपको दी गई है, ये बढ़िया सा यहाँ पे कॉइन्स वगैरह कुछ भी अपना छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। इधर जाएंगे तो हैंड ब्रेक वगैरह, 2 ग्लास होल्डर्स, परफ्यूम वगैरह भाई साहब रख दी गई है, अभी तो भाई साहब खुशबू आ रही बढ़िया परफ्यूम की। ये देखेंगे आर्मरेस्ट वगैरह, यहाँ पे भी बढ़िया सा स्पेस, और इसमें भी आपको मिलता है यहाँ पे स्टोरेज स्पेस, कुछ भी अपना छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। डुअल ट्रिम वगैरह पूरी डुअल टोन में यहाँ पे रहेगी। 6 एयरबैग्स आपको स्टैंडर्ड मिलते हैं बेसिक मॉडल से, 1 हो गया 2 हो गया, इसी के साथ पिलर्स वगैरह पे भी देखेंगे तो एयरबैग्स की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। तो भाई साहब नो डाउट इस सेगमेंट के हिसाब से काफी बड़े से अपने सेगमेंट की हमारी कार, यहाँ पे भी अपना सामान वगैरह रख लीजिए। ग्लव बॉक्स में देखेंगे तो ये बड़े सा स्पेस नॉर्मल सा मिलेगा, कोई कोल्ड वगैरह नहीं मिलता ग्लव बॉक्स इस वेरिएंट के साथ। यहाँ पे हमारे बजरंग बली जी विराजमान है, ऊपर की तरफ आते तो मैन्युअली एडजस्टेबल यहाँ पे इसका IRVM माइक वगैरह रहेगा बात करने के लिए। इधर सनवाइजर प्लेन सा कुछ भी नहीं रहेगा, ना ही टिकट होल्डर, ना ही वैनिटी मिरर, प्लेन सा दिया गया है। इस साइड जाएंगे तो भाई साहब वैनिटी मिरर आपको देखने को मिल जाएगा, तो आराम से कोप सुंदर अपना नीचे वगैरह करके ना फेस वगैरह देख सकते हैं आराम से, पूरा अपने एक्सप्रेशन देखे खाली बैठ के। इधर जाएंगे तो ये हैंडल वैंडल हो गया पीछे का, हम लोगों ने पे बैठ के देख लिया इसका स्पेस वगैरह, कवर वगैरह इसे भाई साहब लगा के बाद में जो लग रहे काफी सही से शोरूम से ही कवर हो गया, बाहर काफी सारी चीजें थी बाकी मैटिंग वगैरह यहाँ पे पड़ी हुई है, तो ये सब चीजें तो एज एक्सेसरीज आप भी ले सकते हैं। तो यही था Hyundai Venue के अंदर का पूरा डैशबोर्ड, आपको कैसा लगा भाई साहब आप मुझे बताएगा कमेंट सेक्शन में, आपको गाड़ी कैसी लगती है। हालांकि इस सेगमेंट में अगर आप दूसरी कार्स में जाएंगे तो आपको किया सोनेट, इसी के साथ साथ मारुति ब्रेजा एंड टाटा निक्सॉन जैसा आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं इस सेगमेंट में। तो भाई साहब ये भी किसी से कम नहीं, फीचर्स भी मिल जा रहे, लुक्स भी मिल जा रहे, Hyundai के काफी रिफाइन इंजन ऑप्शन। चलो ये सब तो चलता रहेगा, अब आते गाड़ी के बाहर फिर बात करेंगे इसके इंजन स्पेक के बारे में। तो ये सब तो भाई साहब हो गया कवर, सीट यहाँ पे थोड़ी सी कर देते हैं एडजस्ट, निकालते हैं इसकी चाबी को, फिर बात करते हैं इसके इंजन स्पेक, प्राइसिंग एंड फीचर्स के बारे में। उससे पहले यहाँ पे इसके भाई साहब डोर को कर देंगे क्लोज,
तो ये आप यहाँ पे देख रहे थे 1.2 लीटर का फोर सिलेंडर कापर पेट्रोल इंजन ऑप्शन, जिसमें आपको 82 bhp की पावर, 113 nm का टॉर्क मिल जाएगा, समथिंग वही 18 kmpl का माइलेज इस कार के साथ। एंड डीजल में जाएंगे तो 1.5 लीटर का डीजल इंजन ऑप्शन मिलता है, उसमें आपको 113 PS की पावर, 250 nm का टॉर्क मिलेगा, समथिंग वही 22 से 23 kmpl का माइलेज इस कार के साथ। अब फाइनली बात करें अगर इसकी कीमत के बारे में, जो आपका देख रहे हैं एस पेट्रोल वेरियंट, ये आपको पड़ेगा 9,05,000 एक्सरूम, 10,33,000 जाएगा ऑन रोड लखनऊ। सेफ्टी फीचर्स में आपको इस कार में ABS विद EBD, 6 एयरबैग, रिवर्स पार्किंग सेंसर, स्पीड रेलर सिस्टम, सीट बेल्ट वार्निंग, ट्रैक्शन कंट्रोल, जैसे आप काफी सारे फीचर्स रहेंगे इस कार के साथ। तो यही था इसका मेरा वीडियो इस कार पे, सुकराज का मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद।